subscribe our channel and press the bell icon so that you will never miss any update. Hi friends, welcome to Jyoti's Kitchen Recipe. आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे न केवल हम त्योहारों पर बनाते हैं बल्कि सामान्य दिनों पर भी, जब कभी घर पर मेहमान आ जाएं या जब कभी हमें मीठे खाने का मन हो तो झटपट हम इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ ले रही हूँ आधा कप सूजी, आधा कप घी, आधा कप शक्कर। आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ सूजी, घी और शक्कर तीनों समान मात्रा में लिया हुआ है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप शक्कर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। पानी 1.5 कप। यहाँ मैं पानी सूजी का 3 गुना ले रही हूँ। यहाँ मैंने सूजी आधा कप लिया है तो पानी 1.5 कप ले रही हूँ। किशमिश 20-25, 6-7 काजू बारीक कटे हुए, 6-7 बादाम बारीक कटा हुआ, 4-5 इलायची। तो चलिए अभी इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूजी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सूजी को हमें लो से मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारी सूजी का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन होने लगा है। इस स्टेज पर गैस बंद कर दीजिए नहीं तो सूजी गल जाएगा। सूजी को प्लेट पर निकाल लेते हैं। घी डाल लेंगे। हमारा घी गर्म हो गया है। सबसे पहले हम काजू और बादाम को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। एक बार ड्राई फ्रूट्स घी में फ्राई हो जाएं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने ध्यान दिया होगा हमने यहाँ काजू और बादाम को डाला हुआ है क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए अगर हम साथ में डाल देंगे तो किशमिश जल्दी से फ्राई होकर जलने लगेगी, इसलिए हम किशमिश को अलग से फ्राई करेंगे। हम यहाँ सिर्फ अभी काजू और बादाम को फ्राई कर रहे हैं। काजू और बादाम फ्राई हो चुका है, इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब हम किशमिश फ्राई कर लेंगे। हमारी किशमिश फ्राई हो गई है, चलिए इसे निकाल लेते हैं। चलिए अब हम अपने सूजी को घी में भून लेते हैं। पहले हमने इसे ड्राई रोस्ट किया था, अब हम इसे घी में भूनेंगे। ध्यान रहे हम अपने सूजी को लो से मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे नहीं तो सूजी हमारा जल जाएगा। जब तक हमारा सूजी भून रहा है दूसरे तरफ पानी को गर्म कर लें। जब सूजी भून जाएगी तो हम इसमें गर्म पानी मिलाएंगे। पानी को गर्म कर लें। हमारा पानी गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और देखते हैं हमारा सूजी भुना है कि नहीं। ध्यान रहे आपकी सूजी जितने अच्छे से रोस्ट होगी ये पानी को उतने ही अच्छे से सोक करेगी और हमारा हलवा दानेदार बनेगा। चम्मच आप लगातार चलाते रहें नहीं तो सूजी हमारा तले पर लग जाएगा। और इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से रोस्ट करें। देखिए हमारी सूजी कितने अच्छे तरीके से भून रही है। ये हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा इसे और भून लेते हैं। आपने देखा होगा हमने सूजी को पहले ड्राई रोस्ट किया है, फिर उसे अब हम घी पर भून रहे हैं। इससे हमारी सूजी बहुत अच्छी तरीके से भूनती है, इससे हमारा हलवा बहुत ही दानेदार बनता है। ये देखिए हमारी सूजी भून चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। चलिए अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं जिसे हमने अभी गर्म किया। ध्यान दीजिएगा हम इसमें गर्म पानी डाल रहे हैं। हमने इसमें गर्म पानी मिलाया है, आपने देखा, क्योंकि जब हम सूजी को भूनते हैं तो हमारी सूजी गर्म रहती है और अगर हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे तो टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा जिससे हमारी सूजी अच्छी तरीके से पक नहीं पाएगी। आप देख सकते हैं काफ़ी पानी सूख चुका है। अब हम इस स्टेज पर इसमें शक्कर मिलाएंगे। ऐसा करने से हमारी सूजी बहुत ही दानेदार बनती है। इलायची डाल देंगे जैसे हमने छिलकर रखा हुआ है और इसे
मिलाएंगे। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे हमारी सूजी दानेदार बनती है। शक्कर को हमेशा बाद में मिलाएं। ये देखिए हमारा दानेदार सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना दानेदार बना हुआ है। देखिए जैसे जैसे हम चम्मच चला रहे हैं ये विजिबल है कि हमारा ये सूजी का हलवा कितने दानेदार बना हुआ है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट पर निकाल लेते हैं। लीजिए सूजी का दानेदार हलवा तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।